हाय एवरीवन, सो आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है क्योंकि आज के व्लॉग में माय हस्बैंड हु इज़ अ ग्रेट एंडोडोंटिस्ट वो मेरी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे क्योंकि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मैं भी डेंटिस्ट हूँ बट डजेंट मीन कि अगर डेंटिस्ट हो तो मेरे को टूथएक नहीं होगा। बहुत सारे रीजन्स होते हैं टूथएक होने के। सो मेरे को दो दिन से बहुत पेन हो रहा है और मैंने मेडिसिन भी खा के देख लिए हैं बट डॉक्टर साहब ठीक नहीं हो रहा। क्या करना चाहिए फिर? हंसना कम चाहिए पहले तो। दांत का दर्द नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सा डेंटल पेशेंट है जो इतना खुश है कि आज तक मेरा दिल के नाम होना है? मुझे बहुत फेथ है ना, इसलिए मैं खुश हूँ। पता चल जाएगा शाम तक। ये है हमारी आज की रूट कैनाल की वीवीआईपी पेशेंट। इतना तैयार होके आई है क्योंकि इनको पता है कि आज शाम को इनके साथ एक डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। ओह माय गॉड। और कैसा लग रहा है? इंजेक्शन से डर तो नहीं लग रहा? नहीं, नॉट एट ऑल। फिर काहे से? तो नहीं डर लगता मुझे बिल्कुल। हमारा स्टेज सेट है हमारे शाम के पेशेंट के लिए। हमारा स्टेज सेट है। अब काउंटडाउन धीरे 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 समय पास में आता जा रहा है। और तुम्हारा रियल फीडबैक मिलेगा आज सबको। ऑनेस्ट फीडबैक दूंगी मैं। ठीक है, और फिर फीस भी दे देना। ये मेरा क्यूआर कोड है, इस पे फीस दे देना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट अभी के लिए, बाय। ये देखो यार, ही इज प्रिपेयरिंग द चेयर फॉर माई ट्रीटमेंट। डर लग रहा है। मत डरो, हो जाएगा, डेली यही तो करते हैं अपन। आई एम बी ऑन द डेंटल चेयर नाउ एंड माय डेंटिस्ट। अभी तो लेवल ऑफ एंजाइटी है थोड़ी सी। फर्स्ट टाइम नहीं ट्रीटमेंट करा रही हूँ, पहले भी करवाया है एक दो बार बट आरसीटी फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ओह माय गॉड, एनेस्थेसिया तो हो ही गया है। हाथ नीचे रखो, हाथ टच नहीं करना है उधर। ये हमारे आज के मरीज का एक्सरे है। टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो इट इज़ अ केस ऑफ मेसोप्रॉक्सिमल केरीज सेकेंडरी टू अ कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन इन 2-5 टूथ। इंडिकेटेड ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट हैज अंडरगॉन रिवर्सिबल पल्पाइटिस। सो ही टोल्ड मी कि 70% ट्रीटमेंट कंप्लीट में से बोला नहीं जा रहा बिकॉज इट्स एनेस्थेटाइज्ड। 70% ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया है तो, बट अभी तक तो इतना पेन नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कब हो गया। सो गुड जॉब। अब क्या कर रहे हो? ओके, अभी मेरी आरसीटी कंप्लीट नहीं हुई है बिकॉज मेरा टिश्यू अंदर से इन्फ्लेम था। तो अभी एक मेडिकामेंट डालकर उसको रिस्टोर कर दिया, टेम्परेरी फिलिंग कर दी है। और अभी कितने दिन वेट करेंगे हम? 3-4 days। ओके, 3-4 days वी आर गोइंग टू वेट एंड फिर उसके बाद आरसीटी कंप्लीट होगा, ऑब्चुरेशन होगा। और अभी तक तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा है एंड आई एम फीलिंग प्रिटी वेल। बस LA का इफेक्ट है तो थोड़ा पी लेते आपको ऐसा लग रहा है बट इट्स गुड। एंड सेकेंड पार्ट, वीडियो के सेकेंड पार्ट में आई एम गोइंग टू पुट ऑब्जर्वेशन वाला भी। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट।